में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहरीके फिक्र मल्लत फाउंडेशन के अध्यक्ष बानी और सपा के पूर्व क्रांतिकारी नेता हनीफ खान। आज का ये सम्मेलन जो बुलाया गया था, इसमें वार्ड और पोलिंग प्रभारियों और सहायक प्रभारियों का ये सम्मेलन है। आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको लाइव करके दिखाया कि जो हजूम यहाँ पर इकट्ठा है और जिस तरह से हनीफ खान का एक संघर्ष समाजवादी पार्टी में 27 वर्ष रहा और उसके बाद अब जिस तरह से वो लगातार लखनऊ की गलियों में और लखनऊ की सड़कों पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं, आगामी 2022 के चुनावों की एक नहीं है। और मेरी इसमें आधे से ज़्यादा लोग मेरी विधानसभा में रहते नहीं, इनका अपना घर नहीं है। तो ये जब घर इनका नहीं है तो ये व्यवस्था क्या देंगे। और रही बात मेरी, मैं अस्थाई तौर से, मैं मेरा यहाँ घर भी है और मैं लंबे समय से आम आदमी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और जनता ने मेरे कामों को भलीभांति देखा भी है, समझा भी है, जनता समझ भी रही है। और यही कारण है कि आज मेरे पास जब डंडा नहीं, झंडा नहीं, पार्टी नहीं है, इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पे लखनऊ पश्चिम के लोग हमारे संगठन से जुड़े भी हैं, हमारे लिए संगठन को संगठन में रह के हमारे लिए काम भी कर रहे हैं और संगठन को बूथ स्तर पे मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल, हनीफ खान का एक संघर्ष समाजवादी पार्टी में भी देखा गया, वो तमाम तस्वीरें पूरे देश ने, दुनिया ने देखी। अब क्योंकि जिस तरह से सियासी दल बरसात के मेंढकों की तरह निकल कर बाहर आ गए हैं, उसमें ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने बंगाल में खेल खराब करने की कोशिश की टीएमसी की और बिहार में आरजेडी का भी खेल खराब किया, ऐसे में हनीफ खान क्या एक निर्दलीय उम्मीदवार होंगे या फिर किसी पार्टी से संपर्क में? देखिए, ये जितनी भी पार्टियाँ हैं, ये पार्टी जमीनी नेता को, काम करने वाले नेता को ना पसंद करते हैं ना टिकट देते हैं। यही कारण है कि मेरी टिकट के लेके अपेक्षा हुई। दूसरी चीज़, आपने तमाम दल अभी गिनाए, तो ये दल हारेंगे या हराएंगे हमें उसमें नहीं जाना। यूपी में सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा हम ये भी कह नहीं सकते, मगर हम इतना दावे से कह सकते हैं कि लखनऊ पश्चिम में आगे बैठे हैं, अभी अध्यक्ष का जो है भाषण बाकी है, लखनऊ आप लोग ना जाए, लखनऊ पश्चिम में हमारा परिवर्तन भी होगा और बदलाव भी होगा और वहाँ से एक सदन में एक नए नेता के रूप में सदन में मैं जाऊंगा और सदन में जाके आम आदमी की आवाज़ को उठाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे क्रांतिकारी नेता हनीफ खान। बात दलों की ना हो और दिलों की हो। जो लोग भी हनीफ भाई से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो आए बैठे अपनी कुर्सी पे, जाए नहीं है। अपना एक जो इस सभा के अध्यक्षता कर रहे जनाब भाई अनिल उपाध्याय जी बोलने जा रहे हैं, आप लोग उनकी सुने। लखनऊ पश्चिम की सीट को प्रभावित करने वाला है अजीत।